नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ट्रॉमा सेंटर में एक डॉक्टर घंटों इंतजार करते रहे मरीज। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में सोमवार को एक डॉक्टर होने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दवा वितरण कक्ष से लेकर पैथोलॉजी तक मरीजों की कतार लगी रही। रविवार की छुट्टी के बाद जिला अस्पताल की ओपीडी सोमवार को अपने निर्धारित समय 8 बजे से शुरू हुई। ट्रॉमा सेंटर में सोमवार को हाथ पैर कमर जोड़ों में दर्द आदि से औसतन 350 मरीज पहुंचे। केवल एक डॉक्टर होने से मरीजों को दिखाने के लिए अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि ट्रॉमा सेंटर में 4 डॉक्टरों की तैनाती है, लेकिन डॉक्टर तुषार चौरसिया और डॉक्टर विकास सचान छुट्टी पर है। वरिष्ठ अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार की ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगा दी गई थी। इससे ओपीडी में केवल डॉक्टर पवन ने ही मरीजों को देखा, दवा और सलाह देकर वापस किया। दवा वितरण कक्ष, पर्चा काउंटर और पैथोलॉजी में सैंपल देने के लिए भी मरीजों की भीड़ रही। सीएमएस डॉक्टर आरए मिर्जा ने बताया कि सभी मरीजों को डॉक्टरों ने देखकर समुचित इलाज कर रहे हैं। साप्ताहिक अवकाश के बाद ओपीडी में भीड़ कुछ ज्यादा होती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।